रेट किस तरीके से मालूम किया जाता है? जीडीपी ग्रोथ रेट, लफ्ज़ ख़ुद बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा. ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ हम चेक करेंगे और उसका रेट चेक करेंगे. एनी वे यू हर्ड अबाउट द वर्ड रेट, तो इसमें मैथमेटिकली सिर्फ एक ही चीज़ होती है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल. और रेट है तो परसेंटेज की फॉर्म में अगर आपको मालूम करना है तो इनटू 100 कर देंगे सिंपली. तो अभी जीडीपी का ग्रोथ रेट मालूम करना है तो आपने जीडीपी दो, फाइनल और इनिशियल दो निकालने होंगे. अगर 2014 का जीडीपी ग्रोथ रेट निकालना चाहते हैं तो हमें दो ईयर्स, एक खुद करंट ईयर और उसका प्रीवियस ईयर हमें मालूम करना है. हमें उसकी वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेंगी. वी डोंट हैव एनी फर्दर प्रीवियस वैल्यूज़ बिफोर द 2014 अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट. 2015 का ग्रोथ रेट मालूम कर लेते हैं कि जी इसमें क्या होगा. करंट ईयर का जीडीपी इस वक्त नॉमिनल ग्रोथ रेट के हवाले से बात करते हैं, तो नॉमिनल जो है जी इसका भी जीडीपी है दिस वन माइनस द प्रीवियस वन. मैं कर लेते हैं 40,600 माइनस 27,300 अपॉन 27,300 करंट माइनस प्रीवियस अपॉन प्रीवियस इन 200. ये यहाँ पे मैंने ये वाला बटन दबा दिया था ऑलरेडी, तो इसलिए ये हुआ. करंट ईयर्स जीडीपी माइनस प्रीवियस ईयर्स जीडीपी डिवाइडेड बाय द प्रीवियस ईयर्स जीडीपी एंड दैट्स इनटू द परसेंटेजेस. सिमिलरली रियल जीडीपी का ग्रोथ रेट निकालना है तो रियल जीडीपी करंट ईयर 2015 का रियल जीडीपी इज दिस वन 36,500 माइनस इसका प्रीवियस ईयर का रियल जीडीपी 27,300. ठीक हो गया, इसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर भी 27,300. सो दिस इज़ द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट. नाउ लेट्स फाइंड आउट द रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2016. करंट ईयर्स रियल जीडीपी इज 46,000. इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं. माइनस the previous 2015 real GDP is 36,500 divided by the previous GDP real 26%. अब बात थोड़ी सी गौर करने वाली ये है कि नॉमिनल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता, जिसमें इन्फ्लेशन प्लस आउटपुट रेट इंक्लूड होता है, तो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी को अगर हम गौर से देखें तो 2014 की नस्बत 48% राइज हुआ. फिर 2015 से 2016 की तरफ जो ग्रोथ रेट है वो 55% तकरीबन इंक्रीज़ हुआ है. यहाँ पे देखें 40,600 रुपये, तो 40,600 का तकरीबन 50% कितना होगा, 20,300 रुपये तकरीबन. तो उसको अगर आप ऐड करें तो यही आएगा. तो 55%, मतलब ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखें इसको ऐड ऑन करें 50% और इसमें वैल्यू, तो मतलब रफ अराउंड इसमें कैलकुलेशन करके हमने एग्जैक्ट आंसर निकाल लिया. अच्छा, रियल जीडीपी जो है, जो कि एक्चुअली सिर्फ आपको आउटपुट रेट की वजह से इंक्रीज़ हुआ हुआ नज़र आता है. रियल जीडीपी इज़ बिकॉज ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ऑन द बेस ईयर्स प्राइसेस. तो अब देखें 33.7 इसका ग्रोथ रेट चेक करें, फिर है 26. अब ये जो ग्रोथ रेट है दैट इज़ द एक्चुअल ग्रोथ रेट ड्यू टू द आउटपुट. आउटपुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आउटपुट की वजह से इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और जो एक्चुअल आपकी जीडीपी का जीडीपी इज़ द मेयर ऑफ द आउटपुट नॉट फॉर द इन्फ्लेशन. ठीक है, तो रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट देखें इट्स स्लोअर दैन द नॉमिनल जीडीपी. अच्छा, अब इन दोनों ग्रोथ रेट के दरमियान डिफरेंस देख लेते हैं कि नॉमिनल जीडीपी 2015 में 48% से राइज़ हुआ और जो रियल जीडीपी वो 33% से राइज़ हुआ. तो अब इस दोनों के दरमियान परसेंटेजेस के दरमियान जो डिफरेंस आया वो आपको आइडिया बता सकेगा कि जी ये इन्फ्लेशन की वजह से इतना इंक्रीमेंट आया है और जो एक्चुअल जो आउटपुट की वजह से इंक्रीमेंट आया है दैट इज़ द ओनली 33.7%. बाकी का जो ये 10-11% जो डिफरेंस है जो नॉमिनल जीडीपी में, वो इन्फ्लेशन या प्राइसेस की वजह से आया है.